अजीज तलबा तालबात फरूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के जरिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोज़ के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोज़ मौजूद हैं। In the name of Allah, who is the most beneficent and merciful to all of us. Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you will be fine. Students, I am taking all the content from Punjab Textbook Board. Today we will discuss about the exercise of unit number 5, which name is Amazing Planet. In our previous lecture, we have already discussed the poem I am the Earth. So our topic is I am the Earth. First of all, I am giving you a brief introduction about the topic. What is Earth? The Earth is a third planet from the Sun. It is also called the blue planet because it looks blue in color from the outer surface. The Earth is only planet that supports life because of the availability of air, water, and gases needed for survival. Due to overpopulation, the earth is in danger and global warming is increasing. In order to save our earth, we will have to take major steps and be careful because there is no life possible on other planet. Now let's start the exercise. In exercise, first of all, we will discuss about the learning sounds. In learning sounds, our first point is consonant clusters. What are the consonant clusters? A consonant cluster is a group of 2 or 3 letters in a word. Okay, each consonant keeps its own sound in the word. A consonant cluster क्या होता है? एक word के अंदर 2 या 3 letters का group होता है जिसे consonant cluster कहा जाता है. हर consonant का अपना sound होता है word के अंदर. मैं repeat कर रही हूँ. A consonant cluster is a group of 2 or 3 letters in a word. Each consonant keeps its own sound in the word. Okay, read and say the given words with consonant clusters in initial and final position. Okay, student, consonant clusters जो हैं ये दो तरह के होते हैं, 2 types होती हैं इनकी. Consonant clusters in initial and consonant clusters in final. कुछ कॉन्सोनेंट क्लस्टर ऐसे होते हैं जो वर्ड के स्टार्ट में आ रहे होते हैं और कुछ उनको कहा जाता है कॉन्सोनेंट क्लस्टर इन इनिशियल, एंड कुछ कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स ऐसे होते हैं जो वर्ड के लास्ट पे आ रहे होते हैं और उनको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स इन फाइनल. पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स इन इनिशियल जो स्टार्ट में आ रहे होते हैं वर्ड के. फर्स्ट वन इज str, स्टर. सेकेंड वन इज spr, स्पर. थर्ड वन इज thr, थर. अब हम देख लेते हैं कि इनसे कौन कौन से वर्ड बनेंगे. फर्स्ट वन इज स्ट्रा, strawस्ट्रा. अब आप देख सकते हैं कि आपने इसके अंदर तीनों कॉन्सोनेंट जो लेटर्स हैं उनके साउंड को प्रोड्यूस किया. str, s अपना साउंड दे रहा है, t अपना साउंड दे रहा है और r अपना साउंड दे रहा है, स्ट्रा. नेक्स्ट इज स्प्रिंग. स्प्रिंग में देखें, s अपना साउंड दे रहा है, p अपना साउंड दे रहा है और r अपना साउंड दे रहा है. नेक्स्ट इज थ्रो. थ्रो के अंदर देखें, थ्रो के अंदर आपको 3 लेटर का एक कॉन्सोनेंट क्लस्टर नज़र आ रहा है स्टार्ट में, बिल्कुल thr, और इसमें देखें आप टी अपना साउंड दे रहा है, एच अपना साउंड दे रहा है और आर अपना साउंड दे रहा है. नेक्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग. स्प्रेड, 3. स्ट्रिंग, स्प्रे, थ्रेड. आपने नोट किया होगा कि ये जितने भी मैंने वर्ड बोलने हैं इनमें सारे जो कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स थे उनके तीनों के तीनों कॉन्सोनेंट ने लेटर्स ने अपना अपना साउंड दिया है. नेक्स्ट देखते हैं कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स इन फाइनल. इसमें आ जाते हैं एंटीएसनेट्स,
आरएसटी रस्ट, एफटीएस फिट्स, इनसे हम वर्ड देख लेते हैं कौन से बनते हैं, एजेंट्स, फर्स्ट, गिफ्ट्स, अकाउंट्स, वर्स्ट, ड्राफ्ट्स, पेंट्स, बर्स्ट, क्राफ्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉर्ट द वर्ड्स दैट बिगिन एंड एंड विद द थ्री कॉन्सोनेंट क्लस्टर। आपको यहाँ पे नीचे वर्ड्स दिए गए हैं, आपने इनमें से बताना है कि इनिशियल कॉन्सोनेंट कौन से हैं और फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स कौन से हैं। फर्स्ट वन इज स्ट्रेंज, स्ट्रेंज एस टी आर क्या है, इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर है, ठीक है। नेक्स्ट है एफ ओ एन टी एस, फॉन्ट्स, एन टी एस क्या था, फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर। नेक्स्ट इज एल आई एफ टी एस, लिफ्ट्स, एफ टी एस क्या था, कॉन्सोनेंट क्लस्टर इन फाइनल, ये फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर है। नेक्स्ट इज थर्स्ट इज ऑल्सो फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं मैंने आपके लिए इस क्वेश्चन को सोल्व करके रखा हुआ है ऑलरेडी। स्ट्रेंज इज इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर एंड फॉन्ट्स, थर्स्ट, लिफ्ट्स आर फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स। ओके, नेक्स्ट इज रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। रजा अस्सलाम वालेकुम, तौकीर हाउ आर यू, अस्सलाम वालेकुम तौकीर तुम कैसे हो, तौकीर वालेकुम सलाम आई एम फाइन मैं ठीक हूँ, थैंक यू व्हाट अबाउट यू, शुक्रिया और तुम कैसे हो रजा, आई एम फाइन टू मैं भी ठीक हूँ, यू लुक सो हैप्पी टुडे, आर यू गोइंग समवेयर इन दीज स्प्रिंग हॉलीडेज, आज तुम बहुत खुश नज़र आ रहे हो, क्या तुम इस बाहर की छुट्टियों में कहीं जा रहे हो, तो कि येस आई एम गोइंग टू विज़िट माई ग्रैंड पेरेंट्स विद माई फैमिली, तो कि जी हाँ मैं अपने ख़ानदान के साथ अपने दादा दादी से मिलने जा रहा हूँ। रजा दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है, तो कि कुड आई बोरो योर कैमरा फॉर दिस ट्रिप, तो कि क्या मैं इस सैर के लिए तुम्हारा कैमरा उधार ले सकता हूँ। रजा येस, जी हाँ ऑफकोर्स यकीनन, तो कि थैंक यू रजा, बहुत शुक्रिया रजा, आई विल कम टू योर होम टुनाइट, मैं आज रात तुम्हारे घर आऊँगा रजा, यू आर वेलकम रजा, तुम्हें खुश आमदीद है, सी यू टू नाइट, तुम्हें रात को मिलता हूँ। नेक्स्ट इज यूज़ दीज फंक्शंस टू रिक्वेस्ट योर फ्रेंड टू ब्रिंग यू अ नॉवल फ्रॉम द लाइब्रेरी, ही और शी शुड ऑल्सो रिस्पॉन्ड यूजिंग दी लर्न फंक्शंस। यह फाल इस्तेमाल करते हुए लाइब्रेरी से नावल आने के लिए अपने दोस्त से दरख्वास्त करें और उससे भी सीखे गए अफाल को इस्तेमाल करते हुए जवाब देना चाहिए। अली अस्सलाम वालेकुम उमर, हाउ आर यू उमर, तुम कैसे, अस्सलाम वालेकुम उमर तुम कैसे हो, उमर वालेकुम सलाम आई एम फाइन मैं ठीक हूँ, थैंक यू शुक्रिया, व्हाट अबाउट यू, तुम कैसे हो। अली आई एम फाइन टू मैं भी ठीक हूँ, आर यू गोइंग टू लाइब्रेरी, क्या तुम लाइब्रेरी जा रहे हो। उमर येस, जी हाँ आई हैव नीड ऑफ सम बुक्स, मुझे कुछ किताबों की ज़रूरत है। अली कैन यू ब्रिंग अ नावल फॉर मी, अली क्या तुम मेरे लिए एक नावल ला सकते हो। उमर येस ऑफ कोर्स, जी हाँ बिल्कुल, विच नावल डू यू वांट, तुम्हें कौन सा नावल चाहिए। उमर ओके आई वांट टू रीड, मैं पढ़ना चाहता हूँ नंबर दी स्टार्स, तारों की तादाद। उमर ओके आई विल, मैं ले आऊँगा। अली थैंक यू शुक्रिया, उमर हाउ यू आर वेलकम, तुम्हें खुश आमदीद। के नेक्स्ट इज रीडिंग कंप्रीहेंशन आंसर्स दिस क्वेश्चन। फर्स्ट वन इज एक्सप्लेन द फीलिंग्स ऑफ द अर्थ इन योर ओन वर्ड्स, आपने अपने अल्फाज में अर्थ के जो एहसास हैं, फीलिंग्स हैं, उनको एक्सप्लेन करना है। विच प्रॉब्लम्स आर बीइंग फेस्ड बाय आवर अर्थ, राइट सम ऑफ देम। एंड नेक्स्ट इज हाउ कैन वी कीप आवर एनवायरमेंट क्लीन, डिस्कस। फर्स्ट वन इज एक्सप्लेन द फीलिंग्स ऑफ द अर्थ इन योर ओन वर्ड्स। अर्थ इज़ फीलिंग बैड एंड फेडिंग बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, ज़मीन आलूदगी की वजह से बुरा और मुरझाया हुआ महसूस कर रही है। सेकेंड इज विच प्रॉब्लम्स आर बींग फेस्ड बाई आवर अर्थ, राइट सम ऑफ दैम, हमारी ज़मीन को किन मसाइल का सामना है, चंद एक लिखें।
Our earth has faced the problems of land, water and air pollution. हमारी ज़मीन ने ज़मीनी आबी और फ़जाई आलूदगी का सामना किया है. थर्ड वन इज़ हाउ कैन वी कीप आवर एनवायरनमेंट नीट एंड क्लीन. हम अपने एनवायरनमेंट को किस तरह से साफ रख सकते हैं. वी कैन कीप आवर एनवायरनमेंट नीट एंड क्लीन बाय प्लांटिंग ट्रीज, दरख्त लगाकर, क्लीनिंग स्ट्रीम्स, नदियों को साफ रखकर, अवॉइड स्मोक, धुएं से बचकर एंड अवॉइड प्लास्टिक और प्लास्टिक से बचकर हम अपने एनवायरनमेंट को साफ रख सकते हैं. मैं रिपीट कर रही हूँ, वी कैन कीप आवर एनवायरनमेंट नीट एंड क्लीन बाय प्लांटिंग ट्रीज, क्लीनिंग स्ट्रीम्स, अवॉइड स्मोक एंड अवॉइड प्लास्टिक. रीड द गिवन पैराग्राफ अलाउड एंड नोटिस द यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स. दिए गए पैराग्राफ को आपने ऊंची आवाज़ में पढ़ना है और पंक्चुएशन मार्क्स को नोट करना है. वी आर लर्निंग अबाउट द एनवायरनमेंट इन द स्कूल, सो आवर टीचर टुक अस ऑन आवर टूर ऑफ द सिटी, देन इज फुल स्टॉप. जहाँ पर सेंटेंस एंड होता है, ख़त्म होता है, वहाँ पर हम लगा देते हैं फुल स्टॉप. वी सा अ पावर प्लांट, देन क्या है कॉमा, अ फैक्ट्री एंड अ वर्कशॉप एंड देन क्या है फुल स्टॉप. सेंटेंस एंड हो गया तो यहाँ पर आ गया फुल स्टॉप. दे वर बिग बिल्डिंग्स विद लॉट्स ऑफ स्मोक कमिंग आउट ऑफ देयर चिमनीज. चिमनीज के बाद क्या है फुल स्टॉप, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस ख़त्म हो गया है. इट मेड द स्काई लुक डार्क, डार्क के बाद क्या है फुल स्टॉप है. वी सा अ कैनाल, कैनाल के बाद क्या है फुल स्टॉप है, क्योंकि सेंटेंस ख़त्म हो गया. द वाटर वॉज डार्क एंड फुल ऑफ रबिश, रबिश के बाद क्या है फुल स्टॉप है. द सॉयल अराउंड इट वॉज डर्टी, डर्टी के बाद क्या है फुल स्टॉप, क्योंकि सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट हो गया. देर वॉज अ लॉट ऑफ पोल्यूशन ऑल अराउंड, अराउंड के बाद क्या है फुल स्टॉप. टाइम टू थिंक, थिंक के बाद क्या है एक्सक्लेमेटरी साइन है. नेक्स्ट इज रीड द गिवन अफिक्सेस विद देयर एग्जाम्पल. अफिक्सेस होते क्या हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं. एन अफिक्स इज एडेड टू द बेस वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग. एक अफिक्स जो होता है ये किसी भी बेसिक वर्ड के अंदर एडिशन होती है उस बेसिक वर्ड का मीनिंग चेंज करने के लिए. देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ अफिक्सेस. अफिक्सेस की दो मेन टाइप्स होती हैं, दो इकसाम होती हैं इसकी, प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस. प्रीफिक्सेस जो होते हैं ये वर्ड की बिगनिंग पे होते हैं, फर्स्ट पे होते हैं, और जो सफिक्सेस होते हैं ये वर्ड के लास्ट पे होते हैं, एंड पे होते हैं. वी ऐड अ प्रीफिक्स एट द बिगनिंग, प्री से पहला, प्री बिफोर. प्रीफिक्सेस जो होते हैं ये बिगनिंग पे होते हैं, एंड अ सफिक्स एट द एंड ऑफ अ वर्ड. और जो सफिक्स होते हैं ये वर्ड के एंड पे होते हैं, टू मेक अ न्यू वर्ड, जो नया बनाया जाने वाला वर्ड होता है. प्रीफिक्सेस जो हैं ये स्टार्ट पे होते हैं, बिगनिंग में होते हैं, और सफिक्सेस जो हैं ये एंड पर होते हैं और एक नया वर्ड बनाते हैं. प्रीफिक्सेस आपके सफिक्सेस ला के आपने उर्दू में ये सब पढ़ा हुआ होगा. अब हम इनकी एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं. के पहला प्रीफिक्सेस क्या है डिस. अब डिस को अगर हम ऐड करें लाइक के साथ तो ये क्या एक नया वर्ड हमारे पास बन जाएगा, और वो क्या होगा डिसलाइक, जिसका मतलब है नापसंद. नेक्स्ट हमारे पास है री. री को अगर हम कवर के साथ ऐड कर दें तो हमारे पास एक नया वर्ड आ जाएगा रिकवर, ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास अन. अन को अगर हम ऐड कर दें फ्रेंडली के साथ, ठीक है, तो एक हमारे पास नया वर्ड बन जाएगा जो कि है अनफ्रेंडली. नेक्स्ट हमारे पास इन. इन को अगर हम ऐड कर दें करेक्ट के साथ तो हमारे पास जो नया वर्ड बनेगा वो होगा इनकोरेक्ट, ठीक है. इस तरह से होते हैं सफिक्सेस. सफिक्सेस जो हैं ये लेस, नेस, ऑल, शिप. अगर हम लेस को ऐड कर दें स्पॉट के साथ, ठीक है, तो हमारे पास जो नया वर्ड बनेगा वो बनेगा स्पॉटलेस. नेस को अगर हम ऐड कर दें हैप्पी के साथ तो हमारे पास एक जो नया वर्ड बनेगा वो बनेगा हैप्पीनेस. एल को हम अगर ऐड कर दें लॉजिक के साथ तो हमारे पास एक नया वर्ड बनेगा लॉजिकल. शिप को हमने ऐड कर दिया फ्रेंड के साथ तो हमारे पास जो नया वर्ड बना वो क्या है
फ्रेंडशिप। तो ये थी अफेक्सेस की टाइप्स और उसकी एग्जांपल्स। नेक्स्ट इज मेक द वर्ड विद द गिवन अफेक्सेस। अब आपने नए वर्ड बनाने हैं, ठीक है, प्रीफिक्सेस से और सफिक्सेस से। तो हम देखेंगे कि प्रीफिक्सेस से और सफिक्सेस से कौन कौन से नए वर्ड बन सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको ऑलरेडी सोल्व किया हुआ है। तो फर्स्ट वन इज मिस। प्रीफिक्सेस क्या है? मिस। मिस को हम ऐड करेंगे टेक के साथ, हमारे पास जो नया वर्ड बनेगा वो बनेगा मिसटेक। ओवर को हम ऐड करेंगे लोड के साथ, हमारे पास जो नया वर्ड बनेगा वो होगा ओवरलोड। नेक्स्ट है प्री। प्री से हम क्या बनाएंगे? प्रेजेंट। नेक्स्ट है इम। इम से हम नया वर्ड क्या बनाएंगे? इम्पॉसिबल। सफिक्सेस में आ जाता है वाइज। वाइज से हम जो नया वर्ड बनाएंगे वो है साइड वाइज। फुल। फुल से जो हम वर्ड बनाएंगे ये है रिस्पेक्टफुल। ले स्लोली। इज इट आर्टिस्ट। नेक्स्ट इज रीड द पोइम अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आप पोइम को दोबारा पढ़ें और ये ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट वन इज द अर्थ इज आवर। अर्थ क्या है? अर्थ हमारा घर है। अर्थ इज आवर होम। वी आर डिस्ट्रॉइंग द अर्थ स्किन एंड बोन। यहाँ पर क्या आएगा? बोन। यहाँ पे आएगा होम और यहाँ पे आएगा बोन। वी आर पोल्यूटिंग डैश ऑफ द अर्थ। वी आर पोल्यूटिंग एयर ऑफ द अर्थ। यहाँ पर आएगा एयर। द अर्थ नीड्स लव एंड डैश लव एंड केयर। अर्थ को किसकी ज़रूरत है? मोहब्बत और ख्याल की, देखभाल की। यहाँ पे मैंने इसको फिल करके रखा हुआ। द अर्थ इज आवर होम। वी आर डिस्ट्रॉइंग द अर्थ स्किन एंड बोन। वी आर पोल्यूटिंग एयर ऑफ द अर्थ नीड्स लव एंड केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विजिट योर स्कूल लाइब्रेरी, रीड सम इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइमेट चेंज, नोट डाउन सम इंफॉर्मेशन इन योर नोटबुक। आपने अपनी स्कूल लाइब्रेरी में जाना है और वहाँ पर आपने क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ना है, मालूमात लेनी है और फिर आपने उसको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ मैंने आपके लिए राइट किया हुआ क्लाइमेट चेंज के बारे में कि क्लाइमेट चेंज है क्या। क्लाइमेट चेंज डिस्क्राइब्स अ चेंज इन द एवरेज कंडीशंस सच एज टेम्परेचर एंड रेनफॉल इन अ रीजन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्लाइमेट चेंज या आबोहवा में तब्दीली ये डिस्क्राइब करती है कि जो एवरेज कंडीशंस हैं उसमें आने वाला चेंज, उसमें आने वाली तब्दीली को बताते हैं। इसके अलावा जैसे कि एक इलाके में एक लंबे अरसे के लिए दर्जा हरारत और बारिश का ना होना। अर्थ क्लाइमेट हैज़ कॉन्स्टेंटली बीन चेंजिंग। ज़मीन का दर्जा हरारत कॉन्स्टेंटली जो है वो चेंज हो रहा है। साइंटिस्ट हैव ऑब्जर्व्ड अनयूजुअल चेंजेस रिसेंटली। फॉर एग्ज़ाम्पल अर्थ्स एवरेज टेम्परेचर हैज़ बीन इंक्रीजिंग मच मोर क्विकली देन दे वुड एक्सपेक्ट ओवर द पास्ट 150 ईयर्स। साइंसदानों ने गैर मामूली तब्दीलियों का मुशाहिदा किया है। मिसाल के तौर पर ज़मीन का दर्जा हरारत इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है जितना इन्होंने पिछले 150 सालों में तवक्को किया था। कि नेक्स्ट इज़ रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। आपने वर्ड्स पढ़ने और इनके मीनिंग्स पढ़ने। डिस्ट्रॉय, फर्स्ट वन इज डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है कम टू एन एंड, ख़त्म होना। रिग्रेट, फील सैड, द मीनिंग इज फील सैड, अफसुर्दगी महसूस करना। रियलाइज, रियलाइज मीन नोटिस, जायज़ा लेना, गौर करना। नेक्स्ट इज मॉप। मॉप मीन डिस्पेयर, मायूस होना, ठीक है। डिस्ट्रॉय मीन कम टू एन एंड, रिग्रेट मीन फील सैड, रियलाइज मीन नोटिस एंड मॉप मीन डिस्पेयर। के नेक्स्ट इज रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स। आपने सिनोनियम्स बताने हैं और उनके एंटोनियम्स बताने हैं। सिनोनियम होते हैं क्या? सिनोनियम्स आर वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग्स। सिनोनियम्स जो हैं ऐसे वर्ड्स होते हैं सिमिलर मीनिंग्स के साथ। और एंटोनियम्स क्या होते हैं? ये ऐसे वर्ड्स होते हैं विद ऑपोजिट मीनिंग्स, उल्ट मतलब के साथ होते हैं। अल्फाज मुतजाद जिनको हम उर्दू में कहते हैं। फर्स्ट वन इज सॉफ्ट। सॉफ्ट का सिनोनियम है स्मूथ, नरम होता है ना,
स्मूथ एंड एंटोनिम्स इज हार्ड, तो इसका उल्ट क्या होगा, सख्त हार्ड। चेयर, चेयर मीन खुश, तो इसका सिनोनियम क्या होगा, डिलाइट, और इसका एंटोनिम क्या होगा, सैडनेस। प्रिटी, प्रिटी खूबसूरत को कहते हैं, तो इसका सिनोनियम क्या होगा, ब्यूटीफुल, और इसका एंटोनिम क्या होगा, अगली बदनुमा। स्टे, स्टे का सिनोनियम होता है स्टॉप, और इसका एंटोनिम क्या होगा, लीव। नेक्स्ट है जॉय, जॉय का सिनोनियम है हैप्पीनेस, और इसका एंटोनिम क्या होगा, सोरो। नेक्स्ट इज रीड द गिवन टेक्स्ट, राइट सिनोनियम्स एंड एंटोनिम्स फॉर द अंडरलाइन वर्ड्स इन योर नोटबुक। यहाँ पर जो वर्ड अंडरलाइन किए हुए हैं इनके आपने सिनोनियम और उनके एंटोनिम्स बताने हैं, और अपनी नोटबुक पे आपने इसको राइट करना है। नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देखते हैं। ओके जी, पहला अंडरलाइन किया हुआ वर्ड क्या था, हैप्पी। हैप्पी का सिनोनियम होगा जॉयफुल, एंड इसका एंटोनिम होगा सैड। नेक्स्ट था सॉफ्ट, जो अंडरलाइन वर्ड था वो था सॉफ्ट, और सॉफ्ट का सिनोनियम होगा स्मूथ, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और इसका एंटोनिम होगा हार्ड। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का सिनोनियम है प्रिटी, और इसका एंटोनिम है अगली। ब्लूमिंग, ब्लूमिंग का सिनोनियम है ब्लॉसम, एंड इसका एंटोनिम है फेड। इंजॉइंग, इंजॉइंग का सिनोनियम है सेलिब्रेट, और इसका एंटोनिम है डिसलाइक। चलें जी, ये देखिए आपने ये सारे के सारे कर लिए, हैप्पी, सॉफ्ट, ब्यूटीफुल, ब्लूमिंग एंड इंजॉइंग। ओके, नेक्स्ट इज रीअरेंज द जंबल लेटर्स टू मेक वर्ड्स एंड लर्न देयर स्पेलिंग्स। हमने क्या करना है कि ये दिए गए जंबल लेटर्स को रीअरेंज करना है और हमने वर्ड्स बनाने हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन। पहला है